इतने शांति अमन का पैगाम दे रहे हैं, तारीख वो नफरत के दुनिया में प्यार का संदेश, शांति का संदेश देने आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने तो कांग्रेस की तारीफ की है कि कितनी मजबूत कांग्रेस थी, अब भी आप समझ जाओ। मैं तो आपको आपका आईना दिखा रहा हूं कि थोड़ा उनको दूर रखो, वरना जनता आपको लगातार कुर्सी से दूर रखेगी। अभी भी आपने सबक नहीं लिया, कैसी हालत है लोकसभा में आपकी, और पूरे देश में तीन राज्यों में सिमट गए हो आप। ऐसे लोगों के बूते आपकी सत्ता आने वाली नहीं है। कम से कम देश हित के विरुद्ध में काम करने वाले व्यक्तियों को अपने से दूर हो गए ना। इंटरव्यू नहीं करें, चाहते हैं कि ताकतवर कांग्रेस हो। मैंने ताकतवर कांग्रेस की बात की। मान्य आप इनवाइट नहीं करें इधर। सभापति महोदय, सभापति महोदय, इसको एक्सपेंज किया जाए। हम भी बोलेंगे, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। प्लीज प्लीज प्लीज, रसोई गैस प्लीज सेव करिए। बिराजी, 2000 रुपए के पार गई, डॉलर सस्ता नहीं हुआ। बिराजी, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य वक्त को जिसको मैंने इजाजत दी, उसके अलावा आप किसी का अंकित नहीं करेंगे। भ्रष्टाचारियों के सामने भी ये सरकार कितनी बेबस, कितनी मजबूर हो गई, नजारा देखा ना आपने। एक बार शिक्षक सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी, सद्भावना वश कह रहा हूं मैं, शिक्षकों से पूछ बैठते हैं, क्या आपको ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैसा तो नहीं देना पड़ता? क्या जवाब मिला था याद है ना आपको? सारे शिक्षकों ने चिल्ला कर कहा, देना पड़ता है, देना पड़ता है, देना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी को विश्वास नहीं हुआ, कई लोगों ने गलत नहीं सुन लिया हुआ, दोबारा पूछा तो कुर्सी पर खड़े होकर कहा देना पड़ता है। कहां मजबूरी है मुख्यमंत्री जी की, पैसा देना पड़ता है सब कह रहे हैं, तो जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, पैसा लेने वाले हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करती? अरे हमने उस कांग्रेस को भी देखा है 1985 में, कि जहां जो दागी आपके नेता थे, चाहे कितना भी दिग्गज नेता हो, दागी भ्रष्टाचारी था, बेईमान था, आपने उसको टिगर से भी वंचित कर दिया था, और आज आप उनके चुंगल में लगातार फंसते जा रहे हो। मेहरबानी करो और ये भ्रष्टाचार मुक्त रास्ता बनाने का प्रयास करो। जहां भी जाओ ना, ट्रांसफर का पैसा, पोस्टिंग का पैसा, काय का पैसा भैया। और माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, होता क्या है, जब कोई भी अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, बयान क्या देता है कि हमको ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। ये ऊपर वाला कौन है थोड़ा बता दो आप, जिसको वो पैसे पहुंचाता है और आपके लिए वो भ्रष्टाचार करता है, आपके लिए वो रिश्वत देता है। और ऊपर वाले जिस दिन है ना इस सिस्टम को बंद कर देंगे ना, तो नीचे वाला भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और भ्रष्टाचारियों को कितना संरक्षण। मेरे अपने नगर परिषद में एक ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया, सुसाइड कर लिया उसने। हमारी पार्टी का था, हमारी पार्टी ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच भी हो गई, उसके राइटिंग माने गए। अब तक ना तो सरकार ने कार्रवाई की और ना पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की। अरे उसके परिवार वाले ने 4-4 बार मुख्यमंत्री जी के सामने फरियाद कर दी कि हमको न्याय दिलाओ, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करो। और मात्र आश्वासन मिला कैसे मुख्यमंत्री से, जो कभी मजबूत और भ्रष्टाचार के विरुद्ध वाले मुख्यमंत्री माने जाते थे। 4 बार ज्ञापन देने के बाद भी, 4 बार फरियाद देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और माननीय सभापति महोदय, कहते नाम संवेदनशील सरकार है, अरे काय की संवेदनशीलता आपकी। पाली में अभी सीवरेज और पाइपलाइन के लीकेज की वजह से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए, 5-7 मकान तो ऐसे हैं जिनको गिराने की नौबत आ गई। 2 मिनट में बात करता हूं, खत्म। मैं गिराने की नौबत आ गई और बाकी मकानों में दरारें। जनता ने कई बार प्रशासन से गुहार कर दी, जिला कलेक्टर महोदय ने यहां से रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भी भिजवा दी कि वाकई में इतने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसके बावजूद भी अब तक मुआवजा उनको नहीं मिला, वो कहां निवास करेंगे? और माननीय सभा, एक मिनट की बात है, माननीय सभापति महोदय, प्लीज, हमारे कांग्रेस के जो प्रभारी मंत्री है ना, अच्छे मंत्री, वो लगातार जिले के दौरा करते हैं। वो वहां करते क्या है, टूटी फूटी कांग्रेस की अंकित का तो वो पूरा प्रयास करते हैं। प्लीज सहयोग कांग्रेस में जो बिराजिए, बिराजिए,
माननीय सदस्य, सभापति महोदय, माननीय सदस्य प्लीज अंकित नहीं होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य मैं आगे का जो वक्ता उसका समय काट लूंगा। मैं सभी माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य बिराज एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों अपेक्षा करूंगा कि जो समय आपका निर्धारित किया गया है इधर से जो है 10 मिनट, इधर से 7 मिनट और इधर से 10 मिनट, इधर वक्ता ज्यादा है इधर वक्ता कम है, समय का ध्यान रखेंगे और जब आसन आपको ये निर्देश दे कि आप विराजिए तो आप विराजिए, अन्यथा आगे वाले वक्ता बोल नहीं पाएंगे। और मैं निश्चित समय पर जो है आपको बैठाने के लिए पाबंद करूंगा और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी कृपया सहयोग करेंगे। श्री रामनारायण मीणा। माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण